हेलो जहन दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, जो आपका भाग ए होता है वहाँ पे आपका जितने भी ओरिजिनल पीबीआरसीआर में क्वेश्चन पूछा गया वही प्रश्न पत्र उठाकर लेकर आया हूँ। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर है आपका। इसी 20 क्वेश्चन में आपका एक दो क्वेश्चन जीएस का भी मिल जाएगा, जनरल साइंस का भी मिल जाएगा। देख लीजिए, इसी 20 क्वेश्चन में आपका टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा 17 क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए इसी 20 क्वेश्चन में। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली आपका एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन के पहले कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। देख लीजिए, महाराष्ट्र राज्य का राजधानी का नाम क्या है। यहाँ पे मैं गलती करके यहाँ पे ऑप्शन टू बता दिया था, गांधीनगर, लेकिन इसका राइट आंसर गांधीनगर नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही बच्चा कॉमेंट कर रहा था, सर ये क्वेश्चन का आंसर गांधीनगर नहीं होगा, मुंबई होगा। तो दोस्तों दिल से धन्यवाद जिस बंदा कमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा आपका कमेंट सुनकर। तो दोस्तों गांधीनगर नहीं होगा, मुंबई होगा महाराष्ट्र का कैपिटल का नाम, और गांधीनगर किसका होगा, इसका होगा गुजरात का। तो आप बहुत ही अच्छा तरह सुन लीजिए, गांधीनगर गुजरात का होगा। तो दोस्तों थैंक यू कमेंट करने से। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है व्हेयर इज द शाहजहां टॉम लोकेटेड। देख लीजिए, शाहजहां मकबरा कहां पर स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहां पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो आगरा होगा सॉरी आंसर, आगरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर नर्मदा ओरिजिन फॉर्म। देख लीजिए, नर्मदा नदी के कहाँ से निकलता है बता दीजिए, उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, सोर्स कहाँ है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो अमर कंटक होगा सॉरी आंसर, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। देख लीजिए, कैबिनेट मिशन कब आया था भारत बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन देखकर ही पहचान जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन टू होगा सॉरी आंसर, 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगन। देख लीजिए, जो गांधी के दोबारा जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, आपका इंडियन आर्मी का परीक्षा क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप जितने भी पढ़ो, आप पीबीआरसीआर में पूछा गया वही प्रश्न पत्र रिपीटेड प्रश्न पत्र आप कवर कर लीजिए, जितने भी ओरिजिनल पेपर है आप पीबीआरसीआर में पूछा गया प्रश्न है वहाँ पर आप कवर कर लेगा, तो आपका इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पीबीआरसीआर में पूछा गया प्रश्न पत्र आपका हमेशा ही डेली के डेली रिपीट हो जाता है, हमेशा ही रिपीट हो जाता है, बहुत ही अच्छा तरह 100% रिपीट हो जाता है। इसीलिए आप बहुत ही अच्छा तरह पीबीआरसीआर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और दोस्तों हमारे पास जो 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी आपका ओरिजिनल पेपर हुआ था जीडी ट्रेडमेंट क्लर्क नर्सिंग हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके। तो दोस्तों इसी प्रश्न पत्रों का राइट आंसर बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो 1920 में हुआ था व्हेन डिड द कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन, गांधी जी के दोबारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर पोलियो वैक्सीन। देख लीजिए, पोलियो वैक्सीन किसने खोज किया था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो जॉन शाल्क होगा सॉरी आंसर, जॉन शाल्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच एसिड फाउंड इन टमाटर। देख लीजिए, टमाटर में कौन से एसिड मिल जाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे तो हमारा स्टूडेंट बताइए दिया होगा, यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो ऑक्सैलिक एसिड होगा सॉरी आंसर, ऑक्सैलिक एसिड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच प्लेस इज रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देख लीजिए, 1857 के क्रांति के
कौन से स्थान संबंधित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चार ऑप्शन में आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो मीराट होगा सटीक आंसर, मीराट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा इसी प्रश्न पत्र आपका ज़रा से पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह डेली के डेली आप वीडियो चाहे तो मेरे चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले दीजिए, हाँ दे दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2024 समर ओलंपिक गेम हेल्ड इन, देख लीजिए ये करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। होने वाला क्या ये पूछा गया आपका 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था हमारा एआरओ बहरमपुर में, वहाँ पर पूछा गया और भी बहुत ही ज़्यादा जगह है वहाँ पे पूछा गया, इसीलिए ये उठाया, एक भी इधर उधर से नहीं उठाया गया, सभी के सभी ओरिजिनल पीबीआर शेयर में पूछा गया वही प्रश्न पत्र। तो दोस्तों 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होता है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो पेरिस होगा सटीक आंसर, पेरिस इज द राइट आंसर, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ इस्टेब्लिश्ड हुई ईयर, देख लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूएनओ का इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो 1945 में हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड हुईस स्टेट, देख लीजिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो उत्तराखंड होगा सटीक आंसर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा कोई भी गलती से ऑप्शन इधर उधर हो जाता है और आप जब कमेंट करते हो सर ये नहीं होगा, ये बहुत ही दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हमारा बच्चे ने इतने अच्छा तरह पढ़ लिया करो क्या, हमको बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही अच्छा तरह तैयारी कर रहे हैं इसीलिए तो बता रहा है। और जिस बंदा को नहीं पता है वो तो नहीं कभी नहीं कमेंट करेगा, इसीलिए हमारा कोई भी गलती हो गया तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगते हैं, बहुत ही खुश हो जाता हूँ मैं दिल से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु रोट एनी अकबरी, देख लीजिए एनी अकबरी किसने लिखा था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो अबुल फजल होगा सटीक आंसर, कोई भी कोई बच्चा हमारा जो ऑप्शन 4 अकबर करके चलाता है लेकिन अकबर नहीं होगा, अबुल फजल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट गीत गोविंद, देख लीजिए गीत गोविंद नामक पुस्तक का लेखक कौन है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सटीक आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जयदेव होगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो शिमला होगा सटीक आंसर, शिमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड हुई स्टेट, देख लीजिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कौन से शहर में स्थित है, स्टेट नहीं होगा सिटी होगा बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो टैम्बे होगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार सिचुएटेड इन, देख लीजिए चार मीनार कहाँ पर स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए, यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो हैदराबाद होगा सटीक आंसर। और हमारा जिस बंदा जो जिस स्टूडेंट का एग्जाम कैंसिल हो गया है उसके लिए तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो गया है, लेकिन आपका जरूर होगा, आपका राइट है, ये आपका बहुत ही अच्छा तरह होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पहले से लेकर आपका लास्ट तक, पहले से लेकर लास्ट तक जो जिस सिचुएशन में हमारा स्टूडेंट गुजर के उसी तक मंजिल तक गया, वो बहुत ही मेहनत लग गया है, इसीलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो तो राइट, जिसका ये
जिसका जो राइट अधिकार है उसका दे दूंगा। तो हमारा स्टूडेंट का एग्ज़ाम जरूर होना चाहिए, इसलिए आप मन खराब नहीं करना चाहिए, आप तैयारी में मन दीजिए, आपका एग्ज़ाम जरूर एक दिन होगा। देख लीजिए, आपका सुप्रीम कोर्ट जरूर देगा आई आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है, हैदराबाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। देख लीजिए, भारत का पहले राष्ट्रपति कौन था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो राजेंद्र प्रसाद होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन इंडिया। देख लीजिए, भारत में पहले जो ओलंपिक पदक किसने जीता था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो खासाबाद दादा साहेब यादव होगा सॉरी आंसर, के डी यादव, खासाबाद दादा साहेब यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक एसिड है क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत ही अच्छा, जो H2SO4 देख लीजिए, इसका राइट आंसर H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। देख लीजिए, ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स क्या है, ऊर्जा क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे तो आप ऑप्शन देखकर ही बता देगा, ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, सन, जो हमारा सूरज नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलार लेक लोकेटेड व्हिच स्टेट। देख लीजिए, उलार झील कहाँ से राज्य में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो कश्मीर होगा सॉरी आंसर, कश्मीर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गया है, 20 में कितना क्वेश्चन आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और कोई भी डाउट, कोई भी हमारा ई बुक लेना चाहते हो तो देने वाला डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पे एक बार जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।